हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा एक होम्योपैथी फिजिशियन और आज मैं आपके लाई हूँ R56 के बारे में बताऊंगी। ये किस बीमारी में यूज की जाती है, क्या इसके डोजेज हैं, कौन कौन से होम्योपैथी मेडिसिन कम्पोजिशन से इसको तैयार किया जाता है और इसके लक्षण क्या है और क्या इसकी क्रियाविधि, इन सब के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं R56 के बारे में। यह पेट के कीड़े को बाहर निकालने वाली एक महत्वपूर्ण औषधि है। ये होम्योपैथिक के कौन कौन से मेडिसिन के कम्पोजिशन से तैयार की जाती है, तो सबसे पहली मेडिसिन इसमें होती है आर्टिमिशिया वल्क, सीना, फ्लिक्स, ग्रेफाइटस, मार्कर, टेनेसेटम। ये इन सारी मेडिसिनों के कम्पोजिशन से इसको तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं R56 के क्रियाविधि के बारे में। ये तेज क्रियाविधि कृमिसारक नहीं है। इसका कार्य विशिष्ट रूप से परजीवी संबंधित तकलीफ को वे उसके लक्षणों को दूर करना है तथा उसमें सुधार लाना है। ये स्थायी रूप से कृमि हमें छुटकारा दिलाती है और जो जो इसमें दवाइयां हैं उनकी जो सिम्टम्स हैं कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बताती हूँ। जो आर्टिमिशिया इसमें मेडिसिन पड़ी है होम्योपैथिक की, जिनके पेट में कीड़े होते हैं बच्चों के या बड़ों के, उनके पेट में मरोड़े होने शुरू हो जाते हैं, इसका ये लक्षण है। दूसरी मेडिसिन मैंने बताई थी सीना, इसमें बच्चों का रंग पीला होता है और मुरझाए रहते हैं और उनकी आंखों के चारों तरफ गहरे रंग के चकदे से हो जाते हैं। बच्चे सोते समय दांत किटकिटाते हैं, वो जल्दी जल्दी चौंक जाते हैं, उनका जो अंग है सोते सोते फड़फड़ाते हैं, वो नाक में खुजली होती है, पेट में जो है लंबे कीड़े को नष्ट करने में ये काम करती है। तीसरी मेडिसिन इसमें ग्रेफाइटस, ये संरचनात्मक दवा है। इसमें अत्यधिक भूख लगती है, आलस आता है। जो इसमें लास्ट मेडिसिन है, इसमें पेट में ऐंठन के साथ साथ झिल्ली नुमा से चिवा पसीना आता है। अब बात करते हैं इसके डोजेस की, इसकी क्या खुराक देनी चाहिए। प्रतिदिन 2 से 3 बार खाना खाने से पहले इसकी 15 बूंदे 1/4 कप पानी में मिलाकर देना चाहिए। कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक लगातार देना चाहिए, तभी पेट साफ होता है और कीड़े बाहर निकलते हैं। तो आप इसको बेहिचक ले सकते हैं। जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे सब्सक्राइब करना। थैंक यू।